मुझे इंट्रो ओके मुझे इंट्रो तो देने देता बाद में और क्या। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं नाम राकेश और इसके ऊपर ये मेरे पास एक फोन है जिसका नाम है Xiaomi CV। पहली बार देखा कुछ ऐसा नाम मैंने। और यहाँ पर ना साहिल भैया की जय हो। ये दुबई वाली पैकेजिंग है, मतलब फोन कहाँ लगा दिया साहिल ने। साहिल करोल उन्हीं से मंगवाता हूँ मैं नॉर्मली, चाइना से मंगवाते हुए फोन दुबई से घूम के आता है भाई। ये 30,000 का रेट पड़ता है चाइना में, मुझे मंगाने में थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। मैं फिर से पैक करूंगा भाई, मुझे फील लेना अनबॉक्सिंग का। स्लिम बॉक्स यानी कि चार्जर नहीं है इसके अंदर, जाहिर सी बात है। और ये है एक कनेक्टर यानी कि 3.5mm जैक नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट कवर। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। और काफ़ी सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर 5paisa, जहाँ पर आपको जाहिर सी बात है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो 5paisa पे जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 0% ब्रोकरेज चार्ज, 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। 20 rupees पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। और 5paisa एप्लीकेशन के अंदर भाई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स, रिसर्च टूल, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इवन जो इनका हॉट स्टॉक है ना उसके अंदर टॉप बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं वो सब आपको मिल जाता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में यानी कि 8 languages में एप्लीकेशन है ये। साथ में डार्क मोड, नॉर्मल मोड सपोर्ट करती है। एमोलेड डिस्प्ले वालों का भी ध्यान रखा गया है। और साथ में अगर जिसको भाई US मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स, एप्पल और इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से क्लिक करो, 5paisa एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो आप। तो इस फोन को मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया, अनुभव करने के बाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, आज लाइन नहीं बनी लेकिन कर देना, आप कल बना लेंगे नई लाइन, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देना, 2 million जाना हमें। बाकी इस फोन के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे फील हुआ कि ये फोन ना काफी ज्यादा एक डिफरेंट फील देता है। अगर इस फोन को ना ऐसे लॉक पोजीशन में यूज किया जाए, मतलब आपको ये नहीं देखना कि अंदर MIUI है, तो इसका जो इन हैंड फील है, जो डिजाइन है, वो बिल्कुल भी Xiaomi फोन जैसा नहीं लगता, काफी डिफरेंट लगता है। जैसे कि कुछ Vivo X70 Pro है ना, जो पीछे टेक्सचर है, जो मैट फिनिश है, जो एक डिजाइन है, जो मेटल फ्रेम है, जो कर्व डिस्प्ले है, लेकिन जैसे ही फोन को अनलॉक करते हैं तब भाई दुनिया बदल जाती है। इधर MIUI है, वहाँ फंटच हो ऐसे, तो पता लगता है कि हाँ दोनों बहुत अलग फोन है। इसका जो कैमरा एक्सपीरियंस है ना वो भी इसको अलग बनाता है Xiaomi के फोन से। सब कुछ शेयर करता हूँ आपसे। सो ओवरऑल जो मैंने डिजाइन को अलग कहा ना, अलग है ये, अच्छी बात है कि Xiaomi अलग अलग डिजाइन ट्राई करता है। इसका डिजाइन अलग है लेकिन डिजाइन डेफिनेटली प्रीमियम है। मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, 166 ग्राम का फोन है, ज्यादा मोटा नहीं है, 4500 mAh बैटरी के साथ बैलेंस है। और दिखने में जो फोन है ना उसका फील वगैरह प्रीमियम फोन लगता है। 30,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए स्पेशली काफी सही लगता है। और ये जो Dolby Atmos मेंशन है ना यहाँ पे, डुअल स्पीकर है, जाहिर सी बात है IR ब्लास्टर वगैरह मिलता है भाई Xiaomi का फोन है तो। बाकी मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता इसमें डुअल सिम है। बाकी स्पीकर चेक कराता हूँ। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ, समाज है नॉलेज होके। समझ में कुछ न आए, जो बेस वगैरह आ रहा है, जो साउंड में क्रिस्प है ना, वो सब कुछ काफी सही है। और जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना, 8GB RAM 128 के साथ 30,000 का प्राइस बनता है चाइना को, अगर रुपया में बनाए, चाइना को नहीं मतलब चाइनीज प्राइसिंग को। और 12GB के साथ हालांकि ये 37,000 तक चला जाता है, बट बेस वेरियंट के हिसाब से भाई कर्व डिस्प्ले कहाँ मिलता है इस रेट में। तो जो डिस्प्ले साइज है 6.55 inch OLED डिस्प्ले है, 120Hz। और इसका जो 10-bit डिस्प्ले है, जो कलर्स आते हैं, जो ब्राइटनेस है, क्योंकि मैं आउटडोर में जाके मैंने वीडियो के कई पार्ट शूट किए, तो काफी ब्राइट है डिस्प्ले 950 nits के आसपास। इन डिस्प्ले स्कैनर वगैरह भी ऐड कर दिया, नहीं तो Xiaomi के फोन में साइड में लगा देते हैं ना इन डिस्प्ले स्कैनर की जगह फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी याद रखना भाई आप लोगों को, कर्व डिस्प्ले महंगा आता है और जब टूटता है तो महंगा जाता है पैसा जेब से। ये मेरे फोन की डिस्प्ले ना कॉर्नर से टूटा हुआ है, नोट 10 प्लस है ये, लेकिन आज तक ये सही नहीं करवाया गया। कर्व डिस्प्ले मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेनली जो कर्व डिस्प्ले के अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन है ना, वो बहुत सारे फोन में मिल जाता है, जैसे स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर है, UFS 2.2 स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है, 64MP मेन कैमरा, 8MP यहाँ पे अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो कैमरा, 32MP सेल्फी। सो ये जो कॉम्बिनेशन आपने सुना, नथिंग स्पेशल, नथिंग बैड। बाकी भाई इसके कैमरे का फील काफी ज्यादा अलग बोलना चाहूंगा मैं, कैसे। तो यहाँ पे ये जो Xiaomi CV है ना, इसके अंदर भी ऐसे फिल्टर एक से एक दे रखे। ब्यूटी मोड तो मतलब पूछो ही मत, जितना मर्जी अप्लाई कर लो आप। बाकी जो Xiaomi के फोन में फीचर्स होते हैं ना, वो सारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60fps नहीं 30fps का ऑप्शन मिलेगा फ्रंट में फुल HD का। लेकिन सेल्फी कैमरा में देखो, ये वाला फीचर आपने Aura Glow नाम से सुना होगा कई फोन में, या फिर यहाँ पर इसमें सेल्फी में ही 2 flash दे रखे।
HDR मोड को पहले ऑफ करके हम लोग एक फोटो क्लिक करते हैं। ऐसे फोटोज तो अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में अभी ये मिड रेंज जैसा कैमरा, जैसे HDR चेक कराऊं, HDR मोड को पहले ऑफ करके हम लोग एक फोटो क्लिक करते हैं, और अगर HDR परमानेंट ऑन करते हैं फिर दोबारा यहीं टैप करके सेम तरीके से फोटो क्लिक करें, मुझे दोनों में कोई भी फर्क नजर नहीं आया। जो शेडो पार्ट है ना वो वैसे ही हाईलाइट नहीं हुआ इसमें भी। पता फोटो क्लिक करने की साउंड सुनो आप, वैसे ये साउंड ना हम कैमरे के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर ये साउंड का ऑप्शन है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे तो जैसे Xiaomi में सैचुरेटेड इमेजेस आती है ना, तो ये इमेज भी सैचुरेटेड है, बट हल्का सा एक ब्यूटीफाई इफेक्ट ऐड है फोटोज के अंदर। ये अल्ट्रा वाइड, ये वाला मेन कैमरे से सैंपल है और ये वाला है 2x से। तो सीधा सीधा कहूँ तो फोटो के अंदर डिटेल काफ़ी अच्छी आ जाती है, और अगर मतलब सन के अपोजिट फोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मुझे लगा भाई डायनेमिक रेंज में शेडो पार्ट वगैरह थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब उसको बैलेंस करने के लिए। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर आप अपोजिट सन के क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज बैलेंस है, डिटेल मस्त आती है फोटो में। और इसके अंदर यहाँ पे मैक्रो मोड दे रखा, बट ऐसी सी कुछ फोटोज आती है, लेकिन सही बताऊँ असली मजा आता भाई रेडमी नोट 10 प्रो, प्रो मैक्स या फिर मी 11 लाइट जो है ना 5G वाला, उन सब में जो मतलब दिया हुआ ना 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो, वो वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन ये तो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो बस ऐसे लगाना था, इन्होंने लगा दिया, लेकिन मेन कैमरा है जो है। और सेल्फी अच्छी लगी, आपके पसंद के ऊपर है, ब्यूटी इफेक्ट के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, इसको हटा के नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे तो सेल्फी अच्छी आती है। तो एक नया कलर साइंस बोल सकते हो इस फोन के साथ जो मिलता है, और स्नैपड्रैगन 778 के साथ स्मूथ पे आपको पता है कि मिलता है 60 FPS, तो यहाँ भी वही मिलता है। एंड साथ में MIUI अब चाइना वाला है, तो इसके अंदर भर भर के ब्लॉटवेयर मिलते हैं, टिकटॉक मिल जाता है आजकल, ये यूट्यूब पे मिल जाता है हमारे। और कैमरा वगैरह भी मतलब मैंने कहा ना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है और बेकार फोन भी नहीं है, डिस्प्ले की वजह से स्पेशल से बन जाता है बस। ओवरऑल अगर इंडिया में 30,000 के नीचे नीचे, क्या पता Xiaomi का कोई भरोसा नहीं है, कई बार कुछ और रीब्रांड करके ले भी आ सकते हैं, जैसे अगर कोई मेरे जैसा होकर डिस्प्ले में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ कैमरा वगैरह भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, वो तो अगर इंडिया में आएगा फोन तो हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, ये तो बस मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आपसे। आपको कैसा लगा ये फोन मुझे कमेंट करके बताना, नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।